हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है। आपके जीवन में बड़े काम होंगे और आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे प्रियजनों, क्योंकि अंत निकट है और यीशु का आना भी नज़दीक है। आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसीह बनने के पास शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग पाप से, व्यभिचार से, गुनाहों से, गंदे कामों से, गंदे चीज़ों से, बुरी संगत से वे बाहर निकलने पाए। मेरे प्रियजनों, वे बाहर निकलने पाए। ये वीडियो आपके लिए बड़े काम का है। ये वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आज के इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें रखी जाएंगी जो आपके जीवन में शायद होंगी, ऐसी बातें मेरे प्रियजनों, और आपको उन बातों को छोड़ना होगा, तभी हमें एक नया जीवन देगा, अमर जीवन देगा। मेरे प्रियजनों, यदि हम यीशु मसीह की बताई हुई शिक्षाओं पर, उसके रास्ते पर, उसके मार्ग पर चलते हैं मेरे प्रियजनों, प्रभु खुश होता है। ठीक है, चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ, जब चैनल पर पहली बार आए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना अपने मसीह भाई बहनों के पास। ईश्वर के प्रकोप के सात कटोरे उंडेले जाएंगे 7 वर्ष में, मसीह विरोधी के दिन में। जो मसीह विरोधी का राज होगा, 3.5 साल क्लेश काल के होंगे और 3.5 साल महाक्लेश काल के होंगे। 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा मेरे प्रियजनों। 7 साल तक जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे, जो मसीह भाई बहन यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जो जानते हैं फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, वे सब अगर यहाँ पर रह जाएंगे, छूट जाएंगे, यदि यीशु के साथ नहीं जा पाएंगे रैप्चर में, तो यहाँ पर छूट जाएंगे, तो उन्हें 7 साल का सामना करना पड़ेगा। 7 साल तक उन्हें यहीं पर तड़पना पड़ेगा। 7 साल तक यहाँ पर दुख उठाना पड़ेगा। 7 साल के लिए मेरे प्रियजनों, 7 साल तक मसीह विरोधी का राज्य चलेगा यहाँ पर मेरे प्रियजनों। आज के इस समय में बहुत सारे मसीह भाई बहन पाप में, बुराई में, व्यभिचार में जकड़े हुए हैं। पाप में, व्यभिचार में, बुराई में जकड़े हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, अभी समय है, सुधर जाओ, अभी वक्त है, अभी टाइम है मेरे प्रियजनों। जरा सोच के देखो, गहराई से सोच कर देखो, यदि ये टाइम चला जाएगा, ये समय चला जाएगा, इस समय में आप पाप कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हो, गंदे काम कर रहे हो, गंदे वीडियो देख रहे हो, जैसे सेक्स वीडियो देखना हो गया, बुरी संगत में हो, याद रखना ये समय आपका व्यर्थ जा रहा है, गलत चीज में जा रहा है। ये टाइम प्रभु को दीजिए, इस समय में यीशु मसीह को जानो, अंगीकार करो अपने मुँह से मेरे प्रियजनों। इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ। याद रखना, अगर आप चर्च जाते हो और बाइबल भी पढ़ते हो और पाप भरा जीवन जीते हो, तो उससे कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है मेरे प्रियजनों, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, अभी तो अच्छा लग रहा है पाप करने में, सेक्स वीडियो देखने में, व्यभिचार करने में, गंदे काम करने में, अभी तो अच्छा नजर आ रहा है, अभी तो अच्छा लग रहा है। याद रखना, अगर यीशु मसीह आ गया, अगर आप अचानक इस तरह पाप करे हो, अचानक यीशु मसीह आ गया, तो ये आप सोच कर देखो, यीशु मसीह आपको स्वर्ग दे देगा, यीशु मसीह आपको स्वर्ग लेकर चला जाएगा। गहराई से, अंदर से सोच कर देखो, यदि आप पाप कर रहे हो, गंदे काम कर रहे हो, दलदल में हो, कचड़े में हो, गंदगी में पड़े हो, तो क्या परमेश्वर आपको पवित्र भूमि दे देगा, पवित्र स्थान दे देगा, नया यरूशलेम स्वर्ग दे देगा आपको? ऐसे नहीं देगा, सेत में हमें स्वर्ग नहीं देगा। आप सोचते हो मैं पाप भी करूँगा और मैं पाप करके मैं स्वर्ग भी चला जाऊँगा, तो आप गलत हो। ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस कभी नहीं होंगे। जरा सोच कर देखो मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह आपको स्वर्ग दे देगा नहीं देगा? याद करो, अरे परमेश्वर ने जब उन स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा, जो स्वर्गदूत परमेश्वर का फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, जिन स्वर्गदूतों के मन में घमंड उत्पन्न हुआ था,
पाप उत्पन्न हुआ था, उनको जब परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, उन्हें जब फेंक दिया स्वर्ग से पृथ्वी पर नीचे, तो आप किस खेत की मूली हो, किस खेत की मूली हो, आप सोच कर देखो, सोच कर देखो। याद रखना, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे उंडेले जाएंगे 7 साल में, 7 वर्ष में, जो यहाँ पर रह जाएंगे उनके लिए तो हाय हाय, कड़वा पानी पीना पड़ेगा, लहू पीना पड़ेगा। याद रखना, उस समय 7 साल के भारी क्लेश काल में जो स्त्री गर्भवती होगी और दूध पिलाती होगी, उसके लिए यीशु मसीह ने कहा है, उसके लिए तो हाय हाय हाय। इसलिए प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहना, जागते रहो और प्रार्थना करते रहना, जागते रहना और तुम प्रार्थना करते रहना, जागते रहना प्रार्थना करते रहना। या फिर यीशु मसीह बार बार ये चेतावनी देकर गए थे अपने चेलों से कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हम सबको बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है, वो दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना आ पड़े, वो दिन तुम पर अचानक फंदे के समान ना आ पड़े। मसीह वृद्धि का दिन, प्रभु का दिन तुम पर चोर के ना अचानक ना पड़े। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, जागते रहो, मैं बोल रहा हूँ जागते रहो। अंत निकट है, समय कम है, समय कम है मेरे प्रियो। इसलिए बचा लो, बचा लो, एक दूसरे को देख देख कर अपना जीवन मत व्यतीत करो मेरे प्रियजनों, मत व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, उस व्यक्ति को नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपके लिए लहू बहाया है, आपके लिए कोड़े खाए हैं, आपके लिए मार खाया है मेरे प्रियजनों, आपके लिए बेइज्जती साथ दुख साथ दर्द सहा यीशु मसीह ने मेरे प्रियजनों। इसलिए सोच कर देखो कब तक पाप करते रहोगे। याद रखना, जो पाप करते हैं इन चीज़ों का विनाश है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा मेरे प्रियजनों उसका कभी नहीं अंत होगा। जो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगा वो कभी नाश नहीं होगा मेरे प्रियजनों। सुनने हो कि नहीं सुनने हो, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आगे लिखा मरकुस की किताब 9 अध्याय के 43 से 48 वचन तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर, उसे काट डाल, डुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तो तू दो हाथ रहते हुए नरक के उस आग के बीच में डाला जाए जो कभी ना बुझने की आग है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और ना आग बुझती है। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उससे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां की आग नहीं बुझती। क्योंकि हर एक व्यक्ति आग से नमकीन किया जाएगा, आग से नमकीन किया जाएगा मेरे प्रियजनों। से यदि आपका हाथ गलत काम करने के लिए कर रहे हो तो उसे छोड़ दो। यहाँ पर आपकी आंख बुरी है, यदि कोई लड़का मार्केट जा रही है, आप उसको देख रहे हो, गंदी नजर से देख रहे हो, गुप्त अंगों पर आपकी नजर जाएगी, तो क्या आप पाप कर चुके, उसके बारे में अभिलाषाएं कर चुके, व्यभिचार कर चुके? जरूरी नहीं है कि हम उसके साथ शारीरिक संबंध ही बनाए। यदि आप आंख से देख रहे हो उसको, यदि आप उसको उसके बारे में गलत सोचोगे तो आप पाप कर चुके, आत्मिक पाप कर चुके, मन के द्वारा पाप कर चुके, आंख के द्वारा पाप कर चुके। तेरा पांव ठोकर खिलाता है तो उसे काट डाल। हमें इन चीजों को हाथ, आंख, नाक, कान नहीं काटना है, हमें उन चीजों को काटना है जो हमारे अंग हैं, जो पृथ्वी पर अंग हैं। अंग क्या है? जो पाप है, व्यभिचार है, गंदे काम है। यदि आप हस्ते में थुन करते हो, गलत काम करते हो, तो हमें इनको छोड़ना है, इनको काट के फेंकना है, ना कि हमें हाथ काटना है, ना कि हमें पैर काटना है। यदि आपकी गर्लफ्रेंड, जिस लड़की से आप पाप करते हो, यदि वो लड़की आपको पाप में, व्यभिचार में, बुराई में गिराती है, यदि आपकी बुरी संगत ही खराब है, तो आपको उसको छोड़ना है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो और लौट आओ। परमेश्वर आपके अपराधों को मिटा के रख देगा, आपके गुनाहों को परमेश्वर क्षमा कर देगा, क्षमा कर देगा, एक नया जीवन देगा मेरे प्रभु। क्यों पाप करके नरक में जाना चाहते हो? वहाँ एक या दो दिन के नहीं डाला जाएगा, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उसे नरक में डाल दिया जाएगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं, कभी नहीं मरते हैं, कभी नहीं मरते हैं मेरे प्रियजनों। आगे लिखा रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा के देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, जीवित रहोगे मेरे प्रभु। आगे लिखा, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के चलाए, आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हो?
क्या आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो? क्या आप 10 आज्ञाओं को मानते हो? क्या पाप से, व्यभिचार से, बुराई से दूर रहते हो? मेरे प्रियजनों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है। शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटे, व्यभिचार करें, पाप करें, शारीरिक जीवन जिए, सांसारिक जीवन जिए। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की इच्छाएं, जो लालसाएं हैं, हम कभी नहीं पूरी करने पाएंगे। इसलिए सच्चाई को जानो, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। आशा करता हूँ ये छोटे से मैसेज के द्वारा आपको सीखने को पाएंगे। यदि आप इस वीडियो को देखा है और देखने के बाद अपने मसीह भाइयों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके एक शेयर से बहुत सारी आत्माएं बच सकती हैं। परमेश्वर उनको नया जीवन देगा, उनके मनों को बदलेगा। मेरे प्रियजनों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।